शांति। आज 27 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख हैं 8 अक्टूबर 2002। मुरली का सार हैं आत्मिक प्यार की मूर्तिपन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी हैं। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसी भी आत्मा हो लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। बनानी पड़ती है या बन गई है? फॉलो फादर, फॉलो मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते? तो अपने से पूछो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं? पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, मुबारक हो। फिर सरकम टांस ऐसे आते हैं। सरकम टांस तो आने ही हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन हैं। और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है। लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ग्रुप ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी है सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन, घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं। सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखने चाहते हैं, तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, ये नज़दीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं हैं, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिलकर के लॉ नहीं लगे, लॉ में भी लव महसूस हो। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हरेक के मुख से यही निकलता
कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है, लौ जरूर उठाओ, लेकिन लौ के साथ लौ भी दो, सिर्फ लौ नहीं। सिर्फ लौ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे, तब दूसरों के प्यार की, यानी आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना, सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो, ठीक है ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चाट की तथा सभी को नज़र से निहाल करते दृष्टि दी। हॉस्पिटल आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो? सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा नसीब मेरा है? हर एक ऐसा समझते हैं? जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, कभी कभी तो नहीं ना? जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो? दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, बजते हैं। कौन सा गीत दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह गीत गाते हो? सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है, आधा कल्प भाग्य की प्रलब्ध भूखते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना? कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो, भगवान और भाग्य। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज़ याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले? रोज़ याद प्यार मिलता है ना? सबसे ज़्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना? तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी, भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएगी। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकेंड अपनी प्रलब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकेंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकेंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना? अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना? अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेषात्मय हो, सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हरेक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन ही। परमात्मा देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद हैं। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी वरदानी महादानी हैं, शक्तियाँ भी महादानी हैं, एक दो घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसलिए
बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना, आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखूट भंडार है। खूटने वाला है क्या? बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते? इसमें फ्राक दिली से बांटो, व्यर्थ गवाने में इकोनॉमी करो, लेकिन बांटने में खुशी दिल से बांटो। सभी खुश हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं ना। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? तो फॉलो फादर है ना। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबके भिन्न भिन्न मूड आते हैं। कितना मजा आता होगा देखने में। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है, दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना, तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया? ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए, स्पेशल आए हो। नज़दीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत हैं। पार्टी वाले सिखिलते हैं, थोड़े हैं इसलिए सिखिलते हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आशाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हों, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल? कौन हो? डबल। डबल करते हो, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा, सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी, भविष्य भी, सेवा का चांस भी। आप आत्माओं को प्राप्त हैं। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक हैं। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुबन अर्थात याद और सेवा, चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो? कभी कभी वाले तो नहीं हो, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना, टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। सदा स्वयं, सदा स्वमान में रहे, उड़ते रहो, स्वमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन स्वमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा हो तो अपना रूहानी स्वमन कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा, हम किसके बन गए? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकेंड सफल करो।
व्यर्थ नहीं शय, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय शय, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों के सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। आज का वरदान है स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। विश्लेषण है, सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आते हैं। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथा शक्ति नंबर वार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर वन है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। आज का स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को समा लो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में बाप को समा लो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।